रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के यौम पैदाइश पे कराया गया मुरसल आज़म के नाम से महफिल का आयोजन। ये महफिल 52 सालों से ठाकुरगंज स्थित बड़ी जामा मस्जिद में कराई जा रही है। महफिल की शुरुआत मौलाना फैज अब्बास मशदी ने की, उसके बाद लखनऊ के शायरों ने रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की शान में पढ़े कसीदे। महफिल मुरसल आज़म की शुरुआत 1970 में स्वर्गीय मिर्ज़ा ज़हीर अब्बास ने की थी। मेराज आलम, मेराज साहब ये बताइए, यहाँ पर महफिल हो रही है, महफिल क्यों की जा रही है और कब से की जा रही है? ये महफिल ये मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत और सादिक़े आले मोहम्मद इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहि सलाम की विलादत सिलसिले में महफिल मुनक़िद की जाती रही है। ये महफिल जो है ये हमारे सादिक़ अब्बास साहब खड़े हैं, इनके मरहूम वालिद मिर्ज़ा ज़हीर अब्बास साहब जो कि मौलाना सैयद अली साहब की मदद से सन 70 से खलीफ इस महफिल का जो है ये बुनियाद रखी गई है। कहाँ पर हो रही है महफिल? ये महफिल शाही जामा मस्जिद तहसीनगंज जो कि ठारुएन थाने के अंतर्गत वाक़ है, वहाँ पर होती है। इसमें कितने शोरा कम से कम? इसमें 25 से 30 शोरा हमेशा रहते हैं और इसके मेन जो है नाज़िम वो कैसर जौनपुरी साहब कबला है जो कि हमेशा से इस महफिल में शाना बशाना साथ रहे हैं और उनके शायर ही रहते हैं ज़्यादातर, और जो बाहर से हम लोग बुलाते हैं उनको भी पढ़वाते हैं। ये किसने आगाज़ महफिल किया है? अभी महफिल का आगाज़ जो किया है वो तो तिलावत कलाम पाक से रेहान साहब ने किया और इसके बाद मौलाना फैज़ अब्बास साहब मशहदी जो कि उन्हीं ने इस महफिल मुनवरानी महफिल की महफिल को ख़िताब किया है और वही इसके पहले और भी मुख्तलिफ़ ज़ाकिरीन करते रहे हैं।